क्या है, वह बदल चुका है। पहले जमाने में पहले जो लेडीज होती थी उनको यह समस्या नहीं होती थी। आजकल मशीनों का ज्यादा उपयोग किया जाने लगा है, इसलिए सर्वाइकल जैसी बहुत सी और भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जो कि हमारे लिए गलत है। इसलिए मैं अपने वीडियो में कुछ सूक्ष्म और कुछ आसन लाई हूँ जिससे आप करें, सर्वाइकल पेन से राहत पाए। थैंक यू। दोनों हाथ सामने की तरफ, फिंगर्स के टिप को टर्न करना है नीचे की तरफ, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। 10 से 15 बार यह क्रिया करनी है। सेकंड एक्सरसाइज, हाथ की मुट्ठी बनानी है, एक बार अंगूठा बाहर एक बार अंदर, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। पूरे हाथ को नीचे की तरफ टर्न करना है, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। अब हाथ की मुट्ठी बनाकर उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, सांस भरते हुए 8 से 10 बार यह क्रिया करनी है। दिन में 2 बार कर सकते हैं। अब एक हैंड को आगे की तरफ शोल्डर की सीध में, दूसरे हैंड से फिंगर्स को पीछे की तरफ मोड़ना है, सांस भरते हुए। रिलैक्स। दोनों हाथ साइड्स में, दोनों हाथों को नीचे की तरफ टर्न करना है, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। पीछे की साइड सांस भरते हुए वापस से टर्न करना है, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंटी प्रेशर देना है, फेस के एंटी प्रेशर है ये, राइट हेड का एंटी प्रेशर। हैंड को फेस के साइड में लगाकर, माथे के साइड में लगाकर पुश करना है। दोनों साइड प्रेशर आना चाहिए, हेड से बाहर की तरफ, हैंड से अंदर की तरफ। चिक्स के नीचे दोनों हाथ रखकर ऊपर की तरफ पुश करना है, एंटी प्रेशर देना है और बैलेंस करने के लिए शोल्डर को नीचे की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ की मुट्ठी अगर सामने पीछे की तरफ लगाना है हेड के, और एंटी प्रेशर देना है, सांस भरते हुए दोनों कोने को मोड़ना है, दोनों कोनियों को मिलाने की कोशिश और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। 5 से 10 बार यह क्रिया कर सकते हैं। गर्दन को पीछे की साइड ले जाना है, सांस भर के सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। दोनों हाथ सामने की तरफ मुट्ठी बनाकर चेस्ट पे, और थंब आपस में टच किए हुए सांस भरते हुए आगे की तरफ ले जाना है, और सांस छोड़ते हुए वापस पीछे की तरफ। कलाई से शोल्डर तक का स्ट्रेच अनुभव करें। थैंक यू। अब कुछ लेट कर एक्सरसाइज करेंगे सर्वाइकल की, कुछ आसन करेंगे। मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी रखकर चिन को उसके अंदर फिक्स करें।
दोनों साइड में टर्न देना है सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए बीच में रिलैक्स, और फिर दूसरी साइड सांस भरते हुए, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथों का स्टैंड बनाकर चीक्स के नीचे रखें और एक साइड में टर्न हो सांस भरते हुए, एंटी प्रेशर देना है दूसरी हाथ से फेस के ऊपर, एंटी प्रेशर देना है सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए बीच में आना है रिलैक्स। अब हम करेंगे धनुरासन, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ें और शरीर को सांस भरते हुए धनुष की तरह तान दें, सर्वाइकल पेन रिलीफ के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब हम करेंगे भुजंगासन, सांस भरते हुए आगे की बॉडी को ऊपर उठाना है और गर्दन को पीछे की तरफ लटका देना है, पीछे की तरफ मूवमेंट देनी है, सांस छोड़ते हुए नीचे रिलैक्स। अब हम करेंगे शलभासन, एंटी हाथ और पैर को सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है रिलैक्स। दोनों हाथ दोनों पैर से करेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स नीचे की तरफ। अब हम करेंगे सर्वांगासन और हलासन, मस्तक के भाग को ऊपर उठाना सांस भरते हुए, हलासन में जाना, एक एक करके भी यह प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू।